बनो अपने खुद के बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो नहीं कहती कि आपका भविष्य आपके गुजरे कल के हिसाब से होगा। गुजरे कल को छोड़ो, अब आपको कैसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। नौकरी एक सुरक्षित जगह है सारी जिंदगी काम करते रहने के लिए। हमारे देश के इतिहास में पहली बार हमारे बच्चे हमारे जितने सफल नहीं हो सकेंगे। मैंने दोस्तों की और खुद की नौकरी जाते देखी है, पगार कटते देखी है। लोग ज्यादा काम कर रहे हैं कम तनख्वाह में, उनके पास वक्त भी कम है और आजादी भी कम, वो लगातार दबाव में रहते हैं। ये उन पर थोपा गया है तो भले ही आपका एम्प्लॉयर आपको पसंद करता हो, आपको निकाल सकता है। कुछ तो गलत हो रहा है अगर सोमवार की सुबह हार्ट अटैक के चांसेस 35% से बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है, लगता नहीं कि पैसे कमाने के पुराने तरीके अब भरोसेमंद रहे हैं। हर काम को करने के अब बेहतर तरीके हैं, पर हम अब भी पुरानों में फंसे हैं। दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पैसे कैसे बनाए, बल्कि ये कि बेरोजगार लोगों का क्या करें। लोगों को डर है कि उनका डिसीजन गलत ना निकले, उन्हें डर है कि शायद उनके पास काबिलियत ना हो। इंडस्ट्रियल एज अब खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है, इसीलिए अब स्कूल जाना और नौकरी ढूंढना ये पुराना आइडिया है, पगार के लिए काम करना पुरानी बात है। जॉब सिक्योरिटी एक वहम है, लेकिन हमें स्कूल में अभी भी यही सिखाया जाता है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में मिसिंग है और लोगों को एम्प्लॉय बनना और सैलरी के लिए काम करना सिखाया जाता है। ये मिडिल क्लास के ऊपर चार्ट है। मिडिल क्लास लोगों में जो स्कूल जाते हैं उनकी इनकम साल दर साल कम होती जा रही है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी कहते हैं स्कूल जाओ जॉब करो। तो इन सारे मिडिल क्लास लोगों को जो चार्ट में नीचे होते जा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है वर्किंग पुअर, यानी काम करने वाले गरीब। अब कहते हैं गरीबी कम हो रही है, हो सकता है, मगर काम करने वाले गरीब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है लोग उतना नहीं कमा पा रहे जितना जीने के लिए जरूरी है। जो फाइनेंशियल प्रेशर या आर्थिक दबाव लोग आज महसूस कर रहे हैं, वो पहले के समय से मेरे ख्याल में आज कहीं ज्यादा है। अगर आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आगे का रास्ता बड़ा कठिन होने वाला है। आज अगर आपको अपना भविष्य नियंत्रण में रखना है तो 40-40 प्लान नहीं चलेगा, यानी कॉलेज पास करके जॉब लेकर 40 घंटे काम हर हफ्ते 40 सालों तक, वो दिन जा चुके हैं। किसी को समझाना चाहिए कि क्या चल रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग वापस स्कूल जा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं मैं स्कूल जाऊंगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, और स्टूडेंट लोन क्रेडिट कार्ड के उधार से भी खतरनाक है। जब लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने उन्हें स्टूडेंट लोन में डुबा दिया। स्टूडेंट लोन के साथ प्रॉब्लम है कि ये कभी माफ नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड में आप दिवाला घोषित कर दीजिए और पूरा उधार माफ, मगर स्टूडेंट लोन में आप दिवाला नहीं घोषित कर सकते, ये पटाना ही होगा। ये सबसे खराब उधार है। और ये चार्ट देखिए, कॉलेज ग्रेजुएट्स की कमाई के साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रही है। तो आप कॉलेज जाते हैं, उधार लेते हैं, लेकिन कमाई कम होती जा रही है। अब ये कोई समझदारी का काम तो नहीं। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हर कोई ऑफिस में अलग अलग पदों पर है, कोई बॉस कोई जूनियर, मगर ये सब सेम है, एक पेपर पर चिपकाए फोटोज की तरह है, बस आज है कल नहीं, तो कोई खास फर्क नहीं इनकी जिंदगी में। वो बस एक लाश की तरह काम किए जा रहे हैं, ना खुशी ना काम करने का मजा, ज्यादा से ज्यादा बस अपनी क्यूबिकल को थोड़ा सजा लेते हैं, उससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है उन्हें कि लोग कुछ तो तारीफ करें। वक्त है आईने में देखकर बोलने का, ये देश की नहीं मेरी इकोनॉमी का सवाल है, मेरी छोटी सी दुनिया है जहां मैं रहता हूं, मुझे इसे सुधारना होगा। मैं देश की इकोनॉमी सुधरने तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी है। अमेरिका में एक फैमिली की एवरेज कमाई होती है सालाना $50,000 या 33 लाख रुपए, इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। टॉप 25% में पहुंचने के लिए कम से कम $90,000 या 60 लाख रुपए होने चाहिए। टॉप 10% में पहुंचने के लिए $1,40,000 या 93 लाख रुपए। टॉप 5% $1,90,000 या 1,25,00,000 रुपए। और टॉप 1% के लिए $3,80,000 या 2.5 करोड़ की सालाना फैमिली इनकम। एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है आप में दम है रिस्क लेने का, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप देख सकते हैं कि आप आज कहां हैं और कहां होना चाहते हैं।
ना कि जो मिल गया उसी में जीवन निकाल दिया। ये आज की इकोनॉमी या पहले की इकोनॉमी कुछ नहीं होता। मैं अपनी इकोनॉमी खुद बनाता हूँ। एंटरप्रेन्योर खुद कंट्रोल करता है, वो खुद तय करता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। बिजनेस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहो बनाओ। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं और कैसी टीम तैयार करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस है आपका अपना खुद का बिजनेस। आज की दुनिया में जब कोई भी कुछ भी बन सकता है तो क्यों लोग अपनी आजादी छोड़कर औरों के गुलाम बन जाते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस आओ, 6 बजे जाओ और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करो। ज्यादातर लोग 2-3 बार रिस्क लेते हैं और सब गवा भी देते हैं। बिजनेस एक टीम गेम है। मेरे पास अकाउंटेंट्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, सिस्टम डिजाइनर्स होने चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एडमिशंस टीम, लीगल टीम होनी चाहिए। एक एवरेज इंसान और मुझमें भी इतनी काबिलियत नहीं कि मैं इन सबको एक साथ ला सकूं। जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट लगाते हैं सिर्फ शुरू करने के लिए। और जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है। आप जानते हैं रेस्टोरेंट्स का सक्सेस रेट क्या है? कितना है? करीब 90% फेल हो जाते हैं। 90%? कितने टाइम में? 1 साल से कम में। मैं फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रही, वो अलग ही खेल है। हमारे स्टूडेंट्स को फ्रेंचाइज नहीं मिलती। बहुत सारे पैसे डालने होंगे। और मैकडॉनल्ड्स जैसी फ्रेंचाइज के लिए पहले कंपनी के कोई साथ चांस नहीं है उनके लिए। काम करना पड़ता है सब सीखने के लिए। मान लो अगर ऐसा तरीका हो कि आपको सब कुछ तैयार मिले, बना बनाया, और मालिक भी आप खुद ही हो, दोनों मिले तो कैसा होगा? बोलने का मतलब आपको जीरो से नहीं बनाना पड़ा, आपको बड़ा लीडर भी होने की जरूरत नहीं, नया प्रोडक्ट भी नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी कामयाब प्रोडक्ट मिला, सिस्टम भी तैयार, ट्रेनिंग भी सेट, सब कुछ मिला सिवाय एम्प्लॉयर या मालिक के, बस यही नहीं मिला। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम करना चाहेंगे? मैं और मेरे दोस्त हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफदारी करते हैं, क्योंकि ये वाकई में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस स्कूल है। क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्कूल से निकलकर नौकरी ढूंढने लगते हैं। ये बेवकूफी है। जब हमें अरबपति बिजनेसमैन दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज शुरू करते हुए, जब हम महान लेखक और उद्योगपतियों को नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए सुनते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कई करोड़ों, कई अरबों की कंपनियां बन गई हैं। स्टॉक मार्केट लीड करती हैं, ये मेजर कंपनीज बन गई हैं। आप स्कूल जाते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन अगर आप रईस बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको सही माहौल देता है इसके लिए। हमारी सोसाइटी में 85% खरीदारी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है या नाम की वजह से। हम एक दूसरे को चीजें सारा समय रेकमेंड करते हैं। आपका डेंटिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है, लॉयर कौन है, कौन सा डिटर्जेंट आप यूज करते हैं। हम एक दूसरे से हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। जब आप किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो क्लर्क आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। प्रोडक्ट डिटेल देना तो दूर की बात है, तो जब किसी दोस्त या पड़ोसी या रिश्तेदार या एक अजनबी से ही, जिसको भी उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस हो, जब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो बहुत मायने रखता है। किसी भी तरह की मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से सिखा समझा सकती है। ये एडवर्टाइजिंग से ज्यादा असरदार है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बस थोड़ी सी जानकारी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो इसमें सब नहीं पता चलता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से आगे। यहाँ दुकान बनाने में पैसे वेस्ट नहीं होते, यहाँ माल पड़े पड़े वेस्ट नहीं होता, यहाँ बिना कस्टमर्स वाले एम्प्लॉयज नहीं होते, यहाँ लोग सीधा कस्टमर से जुड़ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, रिस्क कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम। बाकी हर काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू हो जाता है, बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुड़ने का, ये मौका देता है एक आम इंसान को
जिसके पास खुद का काम शुरू करने के साधन ना हो। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10-15-20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या हैं। आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का, यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के $1,000 तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और मैंने उनसे बात की है, 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जम गया है। हर कॉरपोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है। सबसे नीचे हजारों MBAs काम करते हैं। आप फोर्ड या कोका कोला के साथ काम करते हैं, अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है। सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा हर 10 साल में एक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहाँ हैं और आपके पीछे और CEOs आते जाते हैं, तो ये एक उल्टा पिरामिड है। आज इंटरनेट का जमाना है, आज के जमाने में बिजनेस मोबाइल फोन पर ही हो जाता है, तो बताओ और क्या चाहिए? क्या कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे, तो कुछ गड़बड़ है। क्या कंपनी के पास प्रोडक्ट है जो आपको सही लगता है, जो बेचा जा सकता है, या जो आपको प्लान दिखा रहा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट को छोड़ो, वो मायने नहीं रखता, तुम्हें तो बस दूसरे लोग जोड़ने, ये खतरनाक है। ऐसा दिखे तो सोचें, दोबारा सोचें। कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और बिजनेस को समझें, थोड़ी सक्सेस हासिल करें और देखें कि अपॉर्चुनिटी आपको कहां ले जा रही है। पता लगाइए वो मेरी ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी डेवलपमेंट के बारे में कितना सोचते हैं। क्या मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीखिए जिस पे आप विश्वास करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में सब सीखिए और बिजनेस चलाइए। जो भी आपकी कंपनी कर रही है उस पे आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं पहले अंदर घुसने के बाद परखूंगा प्रोडक्ट को, कंपनी को, लोगों को, और फिर करूंगा, और सब सही लगा तो पूरा दम लगा दूंगा इसमें। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, इसमें बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने आप को बदलना होगा। दूसरे बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा मगर ये ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से कुछ सलाह है आपके लिए। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है, ये भावनात्मक है, चैलेंजिंग है, किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है खुद का काम करने का तो ये बाकी सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पूरा दिल लगाकर कीजिए, इसमें चैंपियन बनिए, बजाय इसके कि आप इसे बस टाइम पास के तरीके से करें। तीसरा, हर नए काम की तरह इसे भी आपको सीखना होगा, मगर मेरा वादा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की बातें, इन्हें सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौथा, इसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि आज शुरू किया और कल मैक्स आउट और रिटायरमेंट। और पांचवा, इसे जरूर करना चाहिए। ज्यादातर लोग इसे अब भी समझते नहीं है, तो अनजान लोगों की वजह से आपके सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है जिन्हें इसके बारे में पता नहीं। अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, अगर नहीं तो कोई भी बिजनेस शायद आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इस चुनौती का सामना कर सकें
तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप उतना ही हार्डवर्क करते हैं कि आपकी नौकरी न चले जाए और वो बस इतने पैसे देते हैं कि आप छोड़ के ना जाए। मैं भी अपनी जिंदगी में ये कर चुका हूँ। जिन लोगों को दूसरों से पूछने में डर नहीं लगता प्लान दिखाने के लिए और फॉलोअप भी बिंदास करते हैं बिना डरे कि सामने वाला मना ना कर दे, फ्यूचर उनका ही है। कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपको काम करना होगा, अपनी जगह से हिलना होगा, वरना जिंदगी नहीं बदलेगी। और आपका काम है बाकियों को भी एंटरप्रेन्योर बनना सिखाना। समाज का भला कीजिए, या तो आप इसे पूरे दिल से कीजिए या मत कीजिए। ये कभी अंदर कभी बाहर वाला काम ऐसा मत कीजिए। आने वाले समय में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या, वो पूछेंगे कौन सी नेटवर्किंग कंपनी के साथ आप अपना मार्केट बिल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ लोगों के साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। और असली सफलता होती है एक एंटरप्रेन्योर की जब किसी को कुछ सिखाया जाए और उसे ऊपर उठते हुए देखे, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं।